हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल आशी टॉक्स। कॉग्निजेंट एंड केपीजीमिनी की तरफ से बहुत ही अच्छी ऑफ कैंपस ड्राइव अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताने वाला हूं, जो कि आप सभी के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है। एंड अगर आप रीसेंट ग्रेजुएट बैच से बिलोंग करते हो तो डेफिनेटली आपको इस अपॉर्चुनिटी में अप्लाई करना चाहिए, या अपॉर्चुनिटी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। एंड यहाँ पर बीसीए बीबीए मतलब 3 ईयर ग्रेजुएट से कैंडिडेट वो भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड जो दूसरी अपॉर्चुनिटी है वो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एमसीए ग्रेजुएट्स के होने वाली है। तो आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है गाइस कि आपको इस वीडियो को एस ज्यादा से ज्यादा जो है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हो, टेलीग्राम पे शेयर कर सकते हो, एंड सभी सोशल मीडिया पे आप इस अपॉर्चुनिटी को शेयर कर सकते हो। क्योंकि आप पूरा यूट्यूब चेक कर लोगे, अभी आपको बहुत ही यहाँ पे रेयरली किसी के चैनल पे आपको इन अपॉर्चुनिटीज के बारे में पता चलेगा। तो आपको क्या करना है, जॉब अपॉर्चुनिटीज की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, जिसके बारे में डिटेल में ये वीडियो में आगे बात करने वाला हूँ। आपको वीडियो को सिंपली लाइक कर देना है ताकि ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो कैंडिडेट्स की तरफ पहुंचे। एंड आपको अभी के अभी इस अपॉर्चुनिटी में अप्लाई कर देना है, बिल्कुल भी वेट नहीं करना है कि डेडलाइन जब आएंगी तब अप्लाई करेंगे। ओके, ये लास्ट टाइम भी मिस्टेक हुई थी, जहां पे क्या हुआ था, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर लास्ट टाइम भी अपॉर्चुनिटी आई थी, एंड वो कॉग्निजेंट की आई थी। देख सकते हो उनकी जो डेडलाइन थी बहुत लेट थी, लेकिन एक ही दिन के अंदर 2-3 घंटे में ही जो है वो जो है हायरिंग एंड हो गई थी। तो ये आपके साथ नहीं होना चाहिए, इसलिए आपको क्या करना है, एज सून एज पॉसिबल इसमें अप्लाई कर देना है। एंड ये ज्यादा से ज्यादा वीडियो पहुंचे लोगों तक के, इसलिए आपको वीडियो को शेयर कर देना है। जैसे कि आप देख सकते हो पहली अपॉर्चुनिटी आपको केपीजीमिनी की तरफ से देखने मिल जाती है। केपीजीमिनी इंजीनियरिंग पीएसएस हायरिंग फॉर इंजीनियरिंग एमसीए बैच 2022-2021 and 2020। तो गाइज रीसेंट ग्रेजुएट जो भी है इंजीनियरिंग एंड एमसीए में वो इस अपॉर्चुनिटी में अप्लाई कर सकते हैं। 28 अगस्त डेडलाइन बोली गई है, लेकिन आप बिल्कुल भी इसका वेट मत कीजिए डेडलाइन का, अभी के अभी इसमें अप्लाई कर दीजिए। 3-4 LP यहाँ पे आपको पैकेज देखने मिल जाता है, नेटवर्क इंजीनियर का आपको रोल देखने मिल जाता है, पूरी यहाँ पे आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन देखने मिल जाता है। सीसीएनए सर्टिफाइड अगर आप हो तो प्रिफर्ड किए जाओगे, लेकिन अगर नहीं भी है तो भी कोई इश्यू नहीं है। कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग होनी चाहिए, नाइट शिफ्ट में वर्क करने के लिए आप ओपन रहना चाहिए। ओके, गुड़गांव लोकेशन में आपको वर्क करने मिल सकता है। ओके, फुल टाइम ऑफिस मॉडल होने वाला है, 5 days a week। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 3 LP होने वाले हैं स्टार्टिंग के 6 month के लिए, जो कि आपका प्रोबेशन पीरियड होने वाला है, वो जैसे ही ओवर हो जाता है आपका 4 LP सैलरी पैकेज हो जाएगा। ओके, एंड यहाँ पे बीबीटेक एमसीए कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, बीबीटेक एमसीए की सभी ब्रांचेस अप्लाई कर सकते हैं। रीसेंट ग्रेजुएट्स 2020-2021 and 2022, वर्क लोकेशन गुरुग्राम है गाइस। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो गुरुग्राम में वर्क करना होगा, सर्विस एग्रीमेंट साइन करना होगा, बेसिक सा, एंड 5 days a week आपकी जॉब होने वाली है ऑफिस में। ओके, तो आप इस अपॉर्चुनिटी में अप्लाई कर सकते हो। इसके बारे में जो इसका पैटर्न है, सिलेक्शन प्रोसेस है, उसके बारे में मैं आप सभी के लिए डिटेल वीडियो बना दूंगा। अभी आपको जाके इसमें अप्लाई कर देना है। ओके, एंड अभी तक के आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो अभी जाके वीडियो को आप शेयर कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब सेकेंड अपॉर्चुनिटी आपको कॉग्निजेंट की तरफ से आ जाती है, जैसे कि आप देख सकते हो CIS ऑफ कैंपस। तो इसकी डेडलाइन 30 September है, इसके लिए भी आपको वेट नहीं करना है, अभी के अभी इसमें अप्लाई कर देना है। 2.5 LP का पैकेज देखने मिल जाता है, कस्टमर टेक्निकल सपोर्ट एंड IT रोल प्ले बेसिकली, जहां पे आप देख सकते हो आपके कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग होनी चाहिए इस अपॉर्चुनिटी में अप्लाई करने के लिए। एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर ली जाए, एनी 3 ईयर ग्रेजुएशन प्रोग्राम। तो अगर आपने BCA किया है, BBA किया है, BCOM किया है, कोई भी 3 ईयर ग्रेजुएशन कोर्स कंप्लीट किया है तो आप इस अपॉर्चुनिटी में अप्लाई कर सकते हैं। एंड ओनली यहाँ पे 50% का क्राइटेरिया है, ये बहुत अच्छी बात है कि सिर्फ 50% का क्राइटेरिया है। 10th में, 12th में, डिप्लोमा में एंड अंडर ग्रेजुएशन में 50% से अबाव होने चाहिए, कोई भी आपका एक्टिव बैकलॉग नहीं होना चाहिए, एंड मैक्सिमम 3 ईयर्स के गैप अलाउड है। ओके, एंड PG यहाँ पे अलाउड नहीं है, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखे हो तो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो और भी चीजें आपको देखने मिल जाती है, आप एज अ फ्रेशर ज्वाइन होने वाले हो यहाँ पे। एंड यहाँ पे आपको और डिटेल्स इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, एग्जाम पैटर्न के बारे में मैं आप सभी के लिए वीडियो बना दूंगा। अभी जाके आपको इस अपॉर्चुनिटी में अप्लाई कर देना है एज सून एज पॉसिबल। आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, वीडियो को लाइक करके फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। ओके, एंड डेफिनेटली चैनल पे अगर आप न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है रेगुलरली जॉब अपडेट्स के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस यूट्यूब वीडियो टिल द एंड।